जिसे देखो तो भगत सिंह का चाचा बन रहा है। केजरीवाल जी भगत सिंह के साथ फोटो लगा लिए, भगत सिंह का भतीजा कह रहा है भाई ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप जेल में हो। बोले मेरी मर्जी। और देश के सामने गंगा जल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। ये नहीं होगा सिद्धरमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, ये नहीं चलेगा। क्या गहलोत जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाते बोले ईवीएम की धतेरे की, ये नहीं चलेगा। इससे आपका चेहरा खराब होता है। अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है, ये नहीं चलेगा। जनता हंसती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कोपी श्रीवास्तव और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर अमरनाथ पासवान को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे बढ़िया स्टाइल में क्लास लगाया है, क्योंकि ये लोग बार बार चुनाव में हारने का ठीकरा ईवीएम पर खोल रहे थे। तब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने याद कराया कि बैलट के चुनाव में भी कांग्रेस की कई बड़े नेता पहले हार चुके थे, उसके बाद इन लोगों को इतना पेला कि रोते हुए भाग गए डिबेट से। दोस्तों आज की ये शानदार डिबेट अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, ताकि विपक्ष के मित्र भी कहीं नाराज ना हो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं ना ये कह रहा हूं कि कुछ हुआ ना कह रहा हूं, कुछ नहीं हुआ क्या, मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात कह रहा हूं पानी की तरह, कि जो हमको महसूस हुआ होगा हम वोट उसी पर करेंगे या कोई दूसरा मैकेनिज्म है। हां ना बोलो भैया जल्दी से पासवान जी। अरे भाई मैंने अभी सवाल था पूरा, मैंने अभी हां ना पूछा आपसे। ननकू वोट कैसे करेगा, आपकी बात सुन के करेगा, मोदी जी की बात सुन के करेगा, अखिलेश की बात सुन के करेगा कि मायावती की बात पर, अपना घर नहीं देखेगा या अपना घर देख के वोट करेगा? भैया बताओ, घर देख के वोट करेगा अपना अपना पेट अपना जीवन, ये नहीं अपना घर और जीवन देखेगा? लेकिन एक मिनट अब रुक जाओ, अब लेकिन मैंने भागो, जब परिणाम आएगा तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा था कौन सच, है ना? फिर 4 जून को तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहेगी देश में, नहीं शाम को क्या, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग अपना जीवन देखकर वोट करेंगे। क्या थाईलैंड हाईलैंड इंडोनेशिया जापान जकार्ता अमेरिका लंदन छोड़ो, ननकू और रज्जाक ये देखते हैं उनके जीवन स्तर में कुछ बढ़ो अच्छा हुआ, उनका मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, जिसके कारण प्रसन्न है उसको वोट देंगे। इस सरल बात, ये सिद्धांत मंजूर है, आज इस पर मंजूरी दे दीजिए ताकि 4 जून को फिर भागने भूगने का मसला ना रहे। डॉक्टर साहब मोदी जी ने, अरे मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, ना राहुल जी का लिया, आप कहां भटक रहे हो जंगल में? अमिताभ भाई कुछ तो सुनिए, हम लोग की बात सुनिए, विपक्ष को आप लोग इतना जब ना 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 गलत बयानी मत करिए मेरे साथ, ये गलत बयानी, ये रिटोरिक बंद करिए, ये रिटोरिक बंद करिए, कर दिए मैंने तो, मैंने ना मोदी का नाम लिया ना राहुल का नाम लिया, मैंने एक सिद्धांत रखा, एक मिनट रुकिए, मैंने एक सिद्धांत रखा कि जनता जो महसूस करती है उसी के आधार पर वोट करती है कि नहीं, बिल्कुल करेगी। कितनी बात है, आप कह रहे हो राहुल जी मोदी जी विज्ञापनों पे क्यों खर्च करते हैं, पूरे देश में जहां जाइए विज्ञापन विज्ञापन होर्डिंग बैनर, मोदी जी की ये गारंटी मोदी जी की वो गारंटी, क्या जरूरत है उसकी? अगर जनता समझदार है हर काम जनता खुद कर लेगी, जनता को तो इन्होंने कहा कि जिसके पैर में चप्पल, उसकी बात मेरी बात आगे अब रोकूंगा, क्या बात कपी जी, यही सवाल मेरा आपसे, ना अखिलेश यादव का मसला, ना नरेंद्र मोदी का मसला, ना राहुल गांधी का मसला, मैं वोटर हूं, मैं खुद अपनी आंखों से अपने अनुभव से जो देख रहा हूं उसी के आधार पर वोट करूंगा, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, नहीं सुनो सबकी करो मन की, नहीं। अरे अमिताभ जी वोटर को एक बात और भी कह रहा है, और हम लोग के भी काल है, हम लोग के भी काल में भी कहता है कैसा भी है जी, और वो ये कहता है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हो और इस देश में 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो, और उसका आज तक जवाब ना हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, बरामद ना हो, तो वो भी एक बात कहता है ठीक। लेकिन हम तीसरी बात आपको कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल देखती है, देख रही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई डबल डिजिट पे है, काला धन आया नहीं, बनारस यूटू बना। मैं फिर कहूंगा कि चिंतन मनन ज्यादा होना चाहिए पार्टियों में, उस विंग को डेवलप करिए। अब 70 और 80 के दशक का देश नहीं है। उन्होंने कहा विज्ञापन बहुत हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी वो हारी चुनाव, विज्ञापन तो वो ऐसा दे रही थी कि रेले पड़ी थी विज्ञापन, अशोक गहलोत चुनाव हारे, रेले पड़े थे विज्ञापन, विज्ञापन से सरकार बनती है क्या? गजब, मैं इसे 100 उदाहरण दे दूंगा, मुझे गूगल देखने की जरूरत नहीं पासवान जी, 100 उदाहरण दे दूंगा। और ने कभी चिकाई को एनर्जी लेस्ट करे, अब नहीं आ रही आवाज ना, हर मुख्यमंत्री के पास सरकारी पैसा होता है। अखिलेश जी जब हारे और 47 सीटें आई चुनाव में गई सरकार, अमरनाथ जी आपने विषय उठाया, आपके संज्ञान के लिए बता दें ताकि आगे आप ऐसा विषय ना उठाएं कहीं समझ जाएंगे तो, 2600 करोड़ रुपया विज्ञापन में गया था उस साल, क्या सीटें आई कितनी, 47 विज्ञापन से मिलती हैं सीटें,
गजब तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। मुझे इसी बात का कष्ट होता है कि विपक्ष को जो चीजें दिखनी चाहिए वो दिखती क्यों नहीं, कि विज्ञापन से सरकार नहीं आती। नहीं तो इस देश में, और समझ लीजिए महत्वपूर्ण बात, इस देश में कोई नाम नहीं आएंगे अभी। डॉक्टर साहब उस वक्त गलत बोल दिया आपने, अब तो सुनने पड़ेगा। उस देश में कोई सरकार कभी जाती ही नहीं अगर विज्ञापन से सरकार आती रहती होती। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, जितनी जल्दी निकाल देंगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। फिर कहता हूं, जनता जो महसूस कर रही है मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये बात मुझे नेता बताएंगे? मुझे नहीं पता। राम मंदिर बन गया, ये बात मुझे नेता बताएंगे? मुझे नहीं दिख रहा। 370 पर ये देश समाजवादी पार्टी के विचारधारा पर वोट करेगा क्या, उनके कथन पर? नहीं ना। और हम तो एक बात कहते हैं, ईमानदारी की बात ये, कभी भाई अब आगे बात, आप उस वक्त जब अवसर दिया था बोले थे अच्छा था, ये लगातार नहीं। मैं तो एक बात कहता हूं, आप इतना तक मान कमिटमेंट कर दो आज कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें या तो इंडिया गठबंधन गलत निकलेगा या एनडीए गलत निकलेगा। पासवान जी ईमानदारी की बात है ना, दोनों तो जीतोगे नहीं क्या, तो माफी मांगेंगे कि नहीं? ये तो बहुत इतनी सी बात है, लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हो? चुनाव बाद में भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। और एक बात कही जा रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है। अच्छा जी, चूहा समझ लिया क्या संविधान और लोकतंत्र को? संविधान और लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जिसका जिक्र अशोक पांडे कर रहे थे कि मुलायम सिंह भी जेल में रहते, लालू यादव भी जेल में रहते। आजकल जिस नौजवान को देखो उसने व्हाट्सएप पर मैसेज आया, बोले यही रेलना है, बोले हो यही रेलेंगे, बोले कोई कुछ सवाल पूछे आपसे, आपको कहना संविधान बचाना है। क्या संविधान में कहां खतरा आ रहा भैया? वो लोग नासमझ है, वो लोग नासमझ है जो कहते हैं संविधान खतरे में है। भारत के तरह से उतना शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चुनाव के जरिए आसपास के किसी देश में हो रहा हो तो बताइए। डॉक्टर साहब आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, नहीं हो रहा ना? हमारे यहां जनादेश से बनी सरकारों को शपथ लेने में एक रक्त की बूंद कभी बही हो तो बताइए? ये कौन खतरे ही फैलाए हुए हो, यह लोकतंत्र खतरे में है। आप ही में नो, आप लोकतंत्र रोकोगे बचाओगे? गजब कर रहे हो यार, अपना कुत्तो बच लो, पहले अपने जीतने का तो देख लो। जिसे देखो तो भगत सिंह का चाचा बन रहा है, केजरीवाल जी भगत सिंह के साथ फोटो लगा लिए, भगत सिंह का भतीजा कह रहा भाई ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप जेल में हो, बोले मेरी मर्जी, हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब संविधान और लोकतंत्र तो व्यक्ति है ना जो अपनी ये बोले कि आप क्या बेकार की बात कर रहे हो, बोल पाते तो वो भी बोलते। और एक बात मैं कहूंगा, ये जो नैरेटिव था वो मैंने बताई दिया, एक बड़ा नैरेटिव और भी है जिसकी ओर कपीश भाई ने इशारा किया। बीच बीच में नेता को उसका भी एक वो पड़ता है, अंदर से इच्छा आती कि उस पर भी कुछ दो चार दिन रहना है, ठीक कि बोले जी ईवीएम। मैं एक सुझाव रखता हूं, जिस देश में जिन भी लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, एक बार मन पक्का करिए, इस ईवीएम से चुनके आए हुए जितने भी विधायी सदनों में आपके सदस्य हैं, नगर पालिका मतलब वहां से विधानसभा से और लोकसभा, उन सबसे इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगाजल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। ये नहीं होगा सिद्धि रमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, ये नहीं चलेगा। क्या गहलोत जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाते बोले ईवीएम की धैतेरे की, ये नहीं चलेगा। इससे आपका चेहरा खराब होता है। अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है, ये नहीं चलेगा। जनता हंसती है। जिस ईवीएम से ममता बनर्जी जीतती हैं उसी ईवीएम से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों, मायावती को तकलीफ क्यों? उसी ईवीएम से केजरीवाल जीते, उसी से स्टालिन जीते, गजब कर रहे हो यार। आप ये बोलो ना कि हम इसलिए नाराज हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बोलो कि हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बात समझ में आएगी। ईवीएम नहीं चलेगा ना इस देश में। एक प्रश्न अमीर जी, कभी जी रुक जाइए, इस देश में एक ये मैंने सुझाव क्यों दिया अमरनाथ जी, इस देश में विपक्ष ऐसा कर चुका। एक उदाहरण बता दूं, आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा, बोफोर्स पर जेपीसी बनी, ठीक, शंकरानंद उसके चेयरमैन बने, अशोक पांडे जी,
अब कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस शंकरानंद उन्हीं के व्यक्ति थे, उनने गोलमोल करके जेपीसी में ये कर दिया कि राहुल गांधी राजीव गांधी कोई लेने देना नहीं, बिल्कुल भरी समझ लीजिए भैया पासवान जी। ठीक, विपक्ष ने जेपीसी की प्रति जब लोकसभा में रखी गई तो मैं लोकसभा की मीडिया गैलरी में रहता था 25 साल, एक नियमित समय पर जाना और पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह करना करना था। विपक्ष ने हाउस के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी और उछाली और सारे विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस उनका कमिटमेंट था तो साहस दिखाया, आपका कमिटमेंट कहां है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, गुड़ खाएंगे, गुलगुले परहेज करेंगे, क्या इस्तीफा दिलाइए सिद्धरमैया से, कहिए हमको मंजूर नहीं भी वाली सरकार, ममता जी से दिलवाइए, पंजाब में केजरीवाल की पार्टी से दिलवाइए इस्तीफा, कहिए हम लोग अब पूरे देश में न्याय यात्रा निकालेंगे, सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे ईवीएम की, तब तो हम आपके पक्ष में खड़े हो, हमको लगे हाँ इनका कमिटमेंट है यार, इन्होंने अपनी संसदी छोड़ दी, सरकार छोड़ दी, चुंगी की पार्षदी भी छोड़ोगे नहीं पासवान जी, क्या चुंगी की पार्षदी भी नहीं छोड़ने को मूड में हो? वो और लोग थे जो राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा दे के आ गए थे पार्लियामेंट से, विपक्ष के लोग, ऐसा कमिटमेंट दिखाइए ना, गोल 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 जलेबी से घुमा रहे हो, ईवीएम आपके हिसाब से ठीक नहीं है, जो जो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं मैं उस व्यवस्था में भागीदार क्यों बनूंगा, छोड़ दीजिए, क्या साहस है? इस पर चिंतन करिए, अगर साहस है तो लकीर खींच दीजिए पत्थर पर, कंबल ओढ़कर खाना खाओ और फिर कहो मंशन पे है, ये नहीं चलेगा ना, अगर निराहार अनशन पे हो तो फिर कंबल ओढ़ के भी खाना मत खाओ भैया, ये नहीं चलेगा, इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती, जो मैंने कहा था ना क्रेडिबिलिटी का प्रश्न, इसीलिए है, आप सरकारें गवा के आइए, नहीं गवाएंगे, कह के देख लीजिए सिद्धरमैया से, सिद्धरमैया बगावत कर देंगे राहुल गांधी से, वो कहेंगे बड़ी मुश्किल से तो मुख्यमंत्री बने, ये आ गए ईवीएम, फिर ईवीएम आपको जिताए, ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें आए, ये जरूरी नहीं ना, जहां आप मजबूत हैं वहां जीत जाते हैं, अगर आपके 44 सांसद जीते ना उसी मशीन से, और एक अंतिम बात, इस पर मेरे ख्याल से बौद्धिक लोग जरूर सोचेंगे, मैं इसमें कोई कलर नहीं मिलाना चाहता, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, कपिल भाई के लिए भी, अमरनाथ जी के लिए, अशोक पांडे जी के लिए भी, जब ईवीएम नहीं थी देश में, अरविंद भाई ये नई बात है थोड़ी सी, मतलब दृष्टि नहीं है, बात तो पुरानी है, तब सरकारों की अदला बदली उतनी तेज नहीं होती थी, क्या एक परिवार एक पार्टी टाइप का मामला था, क्या जब ईवीएम आई है तो देश में लोकतंत्र में ऐसे हुआ है, क्या उससे पहले पंडित जी इंदिरा जी एक सिलसिला चलता रहा था ना दसियों साल, क्योंकि बैलेट से वोट पर, मैंने एक बैलेट को भी खराब नहीं कहता, जिस विधि से मेरे देश की जनता वोट दे हर विधि ठीक अच्छी है, और जिनको विधि मंजूर नहीं, मैंने तो बैलेट के चुनाव भी देखे इसके भी देखे, जिनको मंजूर नहीं उनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि उसके खिलाफ खड़े हो, इस्तीफा दे, लेकिन राज्यसभा लोकसभा विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद यह कहना कि ईवीएम चोर है ये ठीक नहीं, ये ईमानदारी नहीं, साहस रखिए ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा माहौल बनाइए, ईवीएम भारत छोड़ो। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय सियाराम।